यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ। मेरठ में चोरी और डकैती की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हर रोज चोरी और डकैती की एक न एक घटना सुनने को मिल ही जाती है। एक बार फिर से थाना गंगानगर के मवाना रोड पर व्यापारी के घर में डकैती को अंजाम दिया गया है। डकैतों ने परिवार को बंधक बनाकर डकैती की इस घटना को अंजाम दिया है। परिवार को बंधक बनाकर घर में रखी तमाम कीमती चीजें, नकदी, ज्वेलरी आदि लूट कर डकैत फरार हो गए। डकैती के बाद की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अलमारी और ड्रॉर खाली हैं। अलमारी और ड्रॉर में रखा तमाम कीमती सामान लेकर बदमाश फरार हो गए। व्यापारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बदमाश घर में तो डकैती कर ही रहे हैं, साथ ही इंसानों को भी निशाना बना रहे हैं। देखिए इसी से पीड़ित सरगुन चौधरी से मिली जानकारी। मेरा नाम सरगुन चौधरी, रजपुरा गाँव है, अमन विहार कॉलोनी में रहता हूँ मैं। क्या हुआ आपके घर में? 5:30 बजे मैं उठा गाय का दूध करने के लिए, बदमाश छुपे हुए थे। बदमाशों ने मेरे पे हमला करा, मारपीट करी। मारपीट करके मेरे लड़के उठा के, तेरे बाप का हार्ट अटैक हो गया, और ऊपर गए और लूटपाट कर ली। सोना चांदी पैसे थे, मेरा सरिये सीमेंट का व्यापार है, मुझे 7 लाख रुपए जो है सीमेंट सरिया फैक्ट्री वालों को देने थे आज। 4,80,000 एक को और 2 लाख एक को, वे सब ले गए, चांदी की चीज ले गए। ये हुआ। कितने बदमाश थे? आदमी 7-8 से कम नहीं थे, 8 हो गए 7 हो बस। हथियार पिस्टल, 70 पिस्टल थी, कत्ते किसी में नहीं थे, 70 पिस्टल। और नहीं, चेहरा सबका बंधा होता है, एक आदमी का खुला था, सामने आने में पहचान लूंगा, काले रंग का था वो, 5.5 फुट के करीब हाइट थी, और की हाइट 5.5 से ऊपर थी सबकी। परिवार में 3 आदमी, मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरी पुत्रवधू है। तो किस तरह से घर में दाखिल हुए? पीछे का गेट है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दुकान है, हमारी दुकान है, व्यापार है, हम 8 बजे आते हैं वहाँ से, दोनों बापू बेटा, मैं पहले आ जाऊँ, बेटा बाद में आता है। तो जैसे मैं अंदर बढ़ गया अपना, तो वो पहले से छुपे हुए थे वहाँ घर में। हाँ, पिस्टल लगाई, मेरे पिस्टल मारने का प्रयास किया, उन्होंने ऊपर चढ़ा ली थी। वो मारपीट करी मेरे साथ, मारपीट करी और के साथ तो नहीं करेंगे। 10-15-20 मिनट रहे, 5 मिनट मुझे उन्होंने कवर करा, पिट्टा मारा, पिट्टा 5 मिनट और 10 मिनट और रहे। 5:30 के आसपास 2800-2300 घर में प्रवेश हुआ, और 5:35 पे 38 मिनट पे चले गए, 42 मिनट बांध गए, मैं बेटा और बहू नहीं बांधे थे, मुझे बांध कर रखा था। आपको बांध? हाँ हाँ। लगभग कितना सामान आपके? सामान लगभग 10 लाख रुपए करीब कैश है, सोने की चीज है 8-7 तोड़े की, और चांदी है 1.5 किलो चांदी होगी। सोना कितना होगा? 16-8 तोड़े होगा। देखिए मौके पर पहुंचे SSP रोहित सिंह साजवान से मिली जानकारी। थाना गंगानगर के अंतर्गत एक घर में सुबह 5:30 बजे कुछ लोग यहाँ पे थे, और उनके द्वारा वहाँ पे कुछ जो पैसे और जेवरात जो हैं वो उनको डरा धमका कर जेवरात लूट के ले गए। उनके जो मालिक हैं उनके द्वारा 6 बजे के आसपास पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे, और आसपास CCTV भी पुलिस ने देखे, कुछ संदिग्ध इसमें नजर आ रहे हैं, और जल्दी घटना खुलासा कर लिया जाएगा। तो बदमाशों की संख्या कितनी? ये इन्होंने बताया कि संभवतः 5 से अधिक रहे होंगे, इसी आधार पर इसमें डकैती का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, और जल्दी घटना का निवारण किया जाएगा। पूछताछ की जा रही है, घर के जो लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड मसूरी मेरठ।